हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक और मेरी न्यू वीडियो में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की अक्षरधाम टेंपल से स्टार्टिंग होने वाली है इस एक्सप्रेसवे की, और यहाँ से आप देख सकते हैं इस वाले जो रोड को है ना, यहाँ पर अलग से बनाया गया था। पहले वो वाला सिंगल लेन था, अब यहाँ से इस लेन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो भी वर्क था वो कम्प्लीट हो चुका है, ड्रेनेज का, और यहाँ पर ये देखिए फुटपाथ भी बना के तैयार कर दिया गया है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अक्षरधाम से लेके ईस्टर्न फेरीफल तक फेज़ वन का जो काम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जिसका सुनने में आ रहा दोस्तों कि बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। तो आज हम देखेंगे कितना काम कंप्लीट हो चुका है इस एक्सप्रेसवे का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जितना भी काम था कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पीछे था दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर दिया गया है। आगे ईस्टर्न फेरीफेल से भी कनेक्ट हो गया, तो एक एक्सप्रेसवे दूसरे एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सहारनपुर देहरादून, तो यहाँ से आप सहारनपुर और देहरादून की तरफ जा सकेंगे बहुत ही जल्द। और यहाँ पर भी ये वाली लेन ऐड की गई है इस बस स्टैंड के पीछे, तो यहाँ पर अभी ये बैरियर लगाए हुए हैं, इसको बंद किया गया है। यहाँ से ये देखिए रोड निकाल दी गई है, तो ये हो जाएगा मेन एक्सप्रेसवे का रास्ता। यहाँ पर सारे साइन बोर्ड लग चुके हैं, और ये वाला जो नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा था उसका काम भी यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। और ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ से अब इसके ऊपर से हम एंट्री लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पर न्यू बना दिया गया है। तो नीचे है रेलवे ट्रैक, तो ये हो गया दोस्तों रेल ओवर ब्रिज। तो ये वाला पार्ट है दोस्तों जिसको नया बनाया गया है। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए एक पार्ट तो दोस्तों ये नया बनाया गया है, और आगे भी गीता कॉलोनी के पास दो फ्लाईओवर, मतलब आने जाने के लिए सिक्स लेन का एक फ्लाईओवर वहां पर बनाया गया है। तो लेफ्ट साइड में आईटीओ और गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर सीधा हम जा सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड लग गया है सहारनपुर 189 किलोमीटर, तो ये एक नया साइन बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। बीच में जो आप ब्लेड देख रहे हैं ये तो काफी पहले ही यहाँ पर लगा दिए गए थे। यहाँ से ये देखिए ये वाला भी पार्ट गीता कॉलोनी के पास ये नया बनाया गया था, दिल्ली देहरादून सहारनपुर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पीड बोर्ड यहाँ पर लगा दिए गए, देखिए दोस्तों 100 की स्पीड कार की होने वाली है यहाँ से, और जो ट्रक वगैरह हैं उनकी 80 की स्पीड रहने वाली है। गांधीनगर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। NH 709B इस रोड का नाम अब हो गया है। कैमरे यहां पर लग चुके हैं,
एंट्री एग्जिट दोस्तों यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फ्लाईओवर है, ये काफ़ी पहले यहाँ पर था, तो इसी को अब एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं करकड़ी मोड़, प्रीत विहार लेफ्ट साइड और देहरादून सहारनपुर सीधा। तो अभी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, मीडियन बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कैमरे लगा दिए गए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेन कैरेज वे। देखो गांधीनगर की रेड लाइट है, मे बी इसको आने वाले टाइम में हटा दिया जाए यहाँ से। अभी देखिए बंद भी कर दी गई है, बिकॉज आगे अब सीधा देहरादून के लिए वो निकाल दिया गया रास्ता, ये सॉरी देहरादून एक्सप्रेस वे बना दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी दोस्तों यहाँ पे ये रास्ता बंद किया हुआ है। तो यहाँ से गीता कॉलोनी नोएडा के लिए यू टर्न ले सकते हैं आप और ऊपर देहरादून के साइड जा सकते हैं। और ये होने वाला है एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो चलो दोस्तों सर्विस रोड से चलते हैं। तो अभी दोस्तों मुझे पता लगा अंदर थोड़ा काम चल रहा है, बिकॉज अंदर से थोड़ा टूट गया था एक्सप्रेस वे जब इस पर ट्रायल चल रहा था, तो अभी वहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। और गार्ड साहब कह रहे हैं दिसंबर तक स्टार्ट होगा, अभी काफ़ी काम बचा है, बट ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से अक्टूबर तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। क्योंकि अभी ऊपर से भी अगर आपको कोई नज़र, कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी, कुछ नज़र नहीं आएगा कि कोई काम किया गया है या कोई काम चल रहा है। ये दो लेन की सर्विस रोड एक लेन के लिए यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए गाड़ी की पार्किंग बना दी गई है। तो यहाँ पर अभी वॉल बनाई जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर काफी जगह आपको नजर आएगा पिलर को खड़ा किया जा रहा है, तो साइड में यहां पर वॉल का काम भी किया जा रहा है। ये है दोस्तों ऊपर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे,
जो कंप्लीट हो चुका है, और नीचे ये सर्विस रोड ये भी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है दिखाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। अब तो दोस्तों उद्घाटन का ही वेट कर रहे हैं कि कब इसका उद्घाटन होगा, कब इसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़ेंगी। बट फेज़ टू में काफ़ी काम बचा हुआ है, वो हम आपको दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। बरसातों में तो दोस्तों मोस्टली काम बंद हो जाता है, बिकॉज़ वो ग्राउंड फील्ड के ऊपर है तो मिट्टी में पानी वानी भर जाता है, काफ़ी सारा काम ऐसे ही ख़राब हो जाता है, काम कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है बरसातों के अंदर। तो ये है दोस्तों एंट्री इस एक्सप्रेस वे पे जाने के लिए। तो ऐसे पूरा घूम के एंट्री ये बनाई गई है अगर आप देहरादून के साइड जाते हैं तो। तो यहाँ से एंट्री है, बट अभी सारे जो एंट्री एक्सिस पॉइंट है अभी वो बंद किए हुए हैं। थोड़ा बहुत काम दोस्तों अभी बचा हुआ है, यानी कि नीचे नीचे ही बचा हुआ है वैसे तो, बट ऊपर का काम तो कंप्लीट हो गया। अबे इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे बना दिया, रोड बना दिया, फिर भी रॉन्ग साइड आएंगे यार ये लोग, देख रहे हो। इतनी अच्छी सर्विस लेने यहाँ पर बन के तैयार हो गई है, बट लोग रॉन्ग साइड आना नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पिलर बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी वॉल बनाई जाएगी ड्रेनेज सिस्टम के साथ साथ। तो ये सर्विस रोड का काम है जो किया जा रहा है, अभी यहाँ पर वॉल बनाई जा रही है। बच्चे कहाँ से कूद के आ रहे हैं, इनकी वजह से ये रेलिंग इतनी ऊपर बनाई हुई थी ताकि लोग यहाँ पर क्रॉस ना करें जल्दी से, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर यू टर्न एंट्री दे रखी है, बट फिर भी बच्चे यहाँ से इसके ऊपर से कूद के आ रहे हैं, बहुत ही रिस्की चीज़ है। ऑलमोस्ट दोस्तों एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ लग चुकी है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है। ड्रेनेज पाइप लगाए जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, अभी काफ़ी जगह लग चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ काम थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप दोस्तों यहाँ पर ये पिलर बना दिए गए हैं, साथ साथ यहाँ पर दीवार भी खड़ी कर रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है आने वाले टाइम में सर्विस रोड का। तो जो लोग खजूरी खास आगे से आर के कैंप या करावल नगर के साइड वाले लोग अगर डेली मतलब अपनी गाड़ी से अक्षरधाम की तरफ जाते हैं, तो वो लोग खजूरी खास क्रॉस करके पांचवे पुश्ते से एंट्री ले लेंगे जब ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा, और अपना नोएडा मेरठ एक्सप्रेसवे उस तरफ जा सकेंगे। टाइम की काफ़ी बचत होने वाली है दोस्तों आने वाले टाइम में। तो ये
है दोस्तों एंट्री अक्षरधाम जाने के लिए राइट साइड में। और यहाँ पर है एग्जिट, तो ये वाली जो एग्जिट है वो लेफ्ट साइड तरफ यानी कि वजीराबाद की तरफ इसको टर्न कर दिया गया है, यानी कि आप इस तरफ जा सकेंगे वजीराबाद साइड। अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आते हैं तो यहाँ पर ही आपको एग्जिट मिल जाएगी। बट एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो गलत किया गया है, फिर से खजूरी खास के पास यानी खजूरी खास के फ्लाईओवर के नीचे सर्कल बना रहे हैं, इससे अच्छा इस रोड को बिल्कुल सीधा निकाल देते तो काफ़ी अच्छा रहता, जाम नहीं लगता। तो साइन बोर्ड वगैरह दोस्तों सब यहाँ पर लग चुके हैं, यहाँ पर बन रहा है खजूरी खास का मेट्रो स्टेशन। तो इस रोड को दोस्तों एक्सप्रेसवे के साथ साथ अगर सीधा निकाल देते ना यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा होता, रेड लाइट लगा देते और बिल्कुल जाम नहीं मिलता यहाँ पर। बट अब इस रोड को पहले जैसा कर दिया, फिर से यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं। सो बस करता हूँ दोस्तों आज के लिए, होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।